हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लब प्री 2018 का जिन बच्चों का 8th एंड 9th दिसंबर के स्लॉट में एग्जाम्स है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो प्रिपेयर किया गया। आज के इसमें अपने कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि जल्दी कैलकुलेशन कैसे करें और जो फ्रीक्वेंटली आपके जरूरत पड़ती है। चलो सेशन शुरू करते हैं। देखिए, स्क्वेयर्स हैं तो स्क्वेयर्स आप कम से कम आपको एक से लेके 60 तक के स्क्वायर याद हो तो बहुत अच्छा है, और अगर वहां तक याद नहीं तो कम से कम 10-11 तक के लिए, अगर जिन बच्चों को याद नहीं हो पाए हैं तो कम से कम इनको 11 तक तो जरूर याद करें। बाकी ज्यादा अगर आपको एटलीस्ट आई थिंक 20 तक तो सभी बच्चों को ध्यान होते होंगे, लेकिन अगर 40 तक आपको ध्यान है तो 40 से 60 तक, 40 to 50 एंड 50 to 60, ये मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जैसे 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर आपका होता है 1600, 41 का होता है 1681, राइट। अब इसके बाद में जितने भी आगे के डिजिट होंगे 49 तक, 50 का आपको पता है 2500 है, 50 का स्क्वायर सभी को पता होता है भाई जीरो है, इसका डबल हो गया, दो जीरो हो गया, 5 का 25 हो गया, 2500 हो गया। अब जैसे मैं किसी का भी निकालूं, इसमें जैसे 47 का मैं निकाल रहा हूं, 47 का स्क्वायर, तो आप इसको 50 और 47 का डिफरेंस निकालिए, 50 और 47 का डिफरेंस हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को दो डिजिट में लिख दीजिए राइट हैंड साइड में, 0, दो डिजिट चाहिए। फिर आप ये देखिए कि 41 और 47 का डिफरेंस कितना है, तो ये 41 और 47 का डिफरेंस है 6 का, तो 6 को 16 में जोड़ दीजिए, 16 और 6 22, तो 22 09 भी आपका ये आ गया। अब अगर मैं 49 का करता हूं तो एक बार 49 का फिर देख लीजिए, 49 और 50 का डिफरेंस है 1 का, 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, उसको 01 लिख लीजिए। डिजिट आपको दो चाहिए, जहां आपको ऑलरेडी दो डिजिट बन रही है वहां कुछ भी आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं। अब 49 और 41 का डिफरेंस हो गया 8 का, तो 16 + 8, 16 8 24, 2401, यही इसका आज। अब आप 50 से 60 का देखें तो आपको पता है कि 50 का स्क्वायर है वो 2500 है। अब इसके आगे जो भी होगा, जैसे आपको 53 का स्क्वायर निकालना है तो 53 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, नहीं सॉरी, 50 और 53 के जो डिफरेंस है उसका कितना हो गया, 3 ही हुआ वो डिफरेंस। इसमें क्या, जितना भी आपकी जो डिजिट होगी वो ही डिफरेंस होगा, तो इस वो 3 को स्क्वायर कर लीजिए, 3 का हो गया 9, तो 09 लिख लीजिए। और 53 और 50 का डिफरेंस, मतलब वहां 41 का जो डिफरेंस था, 40 का नहीं था, 41 का था, यहां डायरेक्ट 50 का है, तो कितना है डिफरेंस, 3 का है, तो 25 में वो जोड़ दीजिए 2809। अगर आपको 57 का निकालना है तो क्या करेंगे आप, 7 × 7 = 49, ये तो राइट हैंड साइड में आ गया, और ये 7 का डिफरेंस है, 25 और 7 32, 32 × 49। तो इस तरीके से आप 40 से लेके 60 तक के बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। एक आपका इसके बाद के जैसे एक छोटा सा फंडा और है जो 100 के नजदीक, नियर टू 100 वाले, जो भी 100, जैसे आपको मैंने दे दिया 107 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप क्या करें इसको, ये देखें कि जैसे 107 × 107, इसको जल्दी से देख लेना, ये प्लस 7 है, 100 और 7 का डिफरेंस विद साइन लिख लें, ये भी प्लस 7, और इसका मल्टीपल कर लें 49, तो राइट हैंड साइड में तो ये 49 आ गया, दो डिजिट आएंगी, अगर 3 आ रही हो तो एक कैरी चली जाएगी, और इनको क्रॉस जोड़ लीजिए, 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114, 114 यहां लिख लीजिए, यही आपका आ गया। जब ये 100 से कम होगा तो यहां ये साइन माइनस हो जाएगा, ये जुड़ के तो ये यहां तो मल्टीपल हो गए तो यही चीज आएगी, लेकिन वो जैसे ये 85 होता, यहां 15 होता, तो 100 85 85 - 15 तो वो 70 आ जाता है, राइट। जैसे मैं अगर करूं 87 87, तो ये हो गया माइनस का 13, 100 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 13 13 169, तो 69 तो आ गया, एक चला गया कहीं। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 87 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 64, 64 या 74 74 हो गए, 74 और 377, तो 74, तो ये 74, और एक ये आपका ऊपर कैरी था वो जुड़ गया 75 69, ये आपका इसका आ जाएगा। तो ये तो 100 के नजदीक है। 50 के नजदीक जैसे आपको 63 का निकालना है, तो ये 50 के रेफरेंस में कितना हो गया, अगर 63 को आप लिखेंगे तो ये हो गया +13, 50 के रेफरेंस में और +13, तो 13 13 को तो गुणा कर दीजिए, वो तो वही चीज है, 69 एक कैरी चला गया। अब इनको जोड़िए,
63+13 है, तो 63+13 जो है इसका बटा दो होगा, बस ये ध्यान रखना है। विद साइन जुड़ेगा, 50 से नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो 63 और ये कितना होगा, 63 और 10 73, 3 76, 76 बटा 2 38, 38 में एक और जुड़ जाएगा तो 3969, ये 63 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको जहां भी स्क्वायर्स की जरूरत हो तो ये इस तरह के फंडे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्यूब्स हैं, तो क्यूब भी आपको एटलीस्ट एक से लेके अगर 30 तक के कर लें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक से क्यूब से 20 से क्यूब आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर फिर भी नहीं है तो इन क्यूब्स को जरूर आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये अपने जो फास्ट जो ट्रिक्स इसकी क्यूब रूट निकालने की आएंगी उसमें भी इनकी जरूरत पड़ेगी, एक से लेके 10 तक के स्क्वायर्स की, स्क्वायर के रूट निकालने में और क्यूब रूट निकालने में, एक से लेके 10 11 का, इसलिए क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। अब आपके अंदर इसमें आई थिंक ज्यादातर याद होंगे, लास्ट वाले ज्यादा से ज्यादा मुझे इन तीन चार को रिवाइज करने की जरूरत है आपको, तो इनको रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपको 20 तक याद है तो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर रूट, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको क्वेश्चंस में, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट में जैसे कोई भी संख्या मैं आपको दे देता हूं जिसका आपको इसको छोटी से शुरू करें, जैसे 7921, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो आप क्या करें, राइट हैंड साइड से दो का जोड़ा बना लें, 21 बचा कितना, 81। 21 में देखिए कि यूनिट डिजिट क्या है, एक है, तो किसके स्क्वायर में एक आता है, तो एक तो एक के स्क्वायर में एक आता है, एक नौ के स्क्वायर में आता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो एक होगी या नौ, राइट। अब चलिए 79 पे, अब 79 किस किस के बीच में, आप यहां देखेंगे कि 79 आठ और नौ के बीच में है, राइट। नौ नौ से कम है, आठ से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है आठ आएगा, तो ये या तो 81 हुआ या 89 हुआ, 89 हुआ। तो अब ये 81 है या 89, इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या करें, 8 को उसकी नेक्स्ट संख्या से गुणा कर दें 72, और उससे इसको कंपेयर करें कि ये बड़ा है या छोटा है, तो ये बड़ा है, 79 बड़ा है, तो आप बड़े को टिक कर लें, 89 आएगा, राइट। या आप थोड़ा सा ये भी देख लें कि 90 का कितना होता है, 81 से होता है और ये 90 के करीब है, तो 89 टिक कर लें आप, इतनी दुविधा में भी नहीं पड़े, लेकिन दुविधा कहीं जैसे बीच के आसपास, 5 के आसपास का हो गया, वहां आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसी में मैं थोड़ा बड़ा कोई फिगर लेके चलूं, जैसे आपका 120409, जैसे ये है कोई, अब इसमें भी आप क्या करेंगे, दो का जोड़ा बना लिया, नो देख लिया, नो किस में है, या तो 3 है और या 7 है, तो यूनिट डिजिट आपके 3 या 7 में से कोई है। अब ये 1204 बचा, अब 1204 किसके बीच में है, ये थोड़ा बड़ा है, तो 1204 आपको पता है कि 30 का कितना है, 900, और 35 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 35 के लिए तो 3 को 4 से गुणा कर दिया, 12 आ गए, 25 आ गए, 1225, तो 35 से छोटा है, लेकिन 1204 1225 इसका मतलब 34, तो यहां 34 लगा दीजिए। अब आपको ये देखना है कि ये 34 347 होगा या 343 होगा, इसके लिए आपको क्या करना था, 34 को 35 से गुणा करना है और उससे इसको कंपेयर करना है। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या है, 34 को 35 से करोगे तो 35 105, 1050 और 140, तो कितना आ गया, 1190, तो 1190 से ये बड़ा है, बड़ा है तो बड़ी संख्या 347। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कीजिए। इसी तरीके से क्यूब रूट का है, तो क्यूब रूट में अगर आपने देखें, जैसे कोई भी मैं एक लेता हूं, जैसे 39304, ये कोई एक संख्या है और इसका आपको सिंप्लीफिकेशन में कहीं क्यूब रूट निकालने की जरूरत पड़ गई, तो इसमें भी वही देखना है, राइट हैंड साइड से इसमें पेयर है वो 3 का बनाएंगे और यूनिट डिजिट देखेंगे, 4 किसके लास्ट में है, तो 4 किसके लास्ट में है, 4 4 के लास्ट में, तो यूनिट डिजिट तो 4 आ गई। अब 39, अब 39 में आपको क्या करना है, 39 किसके है भाई, 3 का 27 है, 4 का 64 है, तो 4 तो ज्यादा हो गया, तो 3, तो ये 34 आपका आ गया। इसमें एक चीज याद रखिए हमेशा कि सिर्फ यूनिट डिजिट में 2 और 8 आपस में है और 3 और 7 आपस में है, बाकी सब अपने हैं, मतलब 2 का जो क्यूब है वो 8 है और 8 का क्यूब है वो 512 है, मतलब यूनिट डिजिट अगर लास्ट में 2 नजर आएगी तो यहां यूनिट डिजिट 8 आएगी, यहां 8 दिखेगी तो यहां 2 आएगी,
यहां तीन दिखेगी तो सात आएगा, और सात होगा तो तीन आएगा, बाकी सब अपने। देखो एक का एक है, और आपका देखोगे फिर चार का चार है, पांच का पांच, छह का छह, एंड आप और नौ का नौ, 10 का सिफर होता ही है। तो सिर्फ आपके ये चार हैं, दो का आठ, आठ का दो, तीन का सात, सात का तीन, तो याद रखना भी बड़ा आसान है। दूसरा अगर इससे थोड़ा बड़ा एक और करें अपने, तो जैसे 456, 333, ये कोई एक क्यूब रूट आपको दे दिया, ये फाइंड करना। तो इसमें भी आप तीन का जोड़ा बना लिया। अब यहां लास्ट में तीन है, तो तीन होगा तो यहां अपनी यूनिट डिजिट क्यूब में क्या आएगी, क्यूब रूट में सात आएगी, उल्टी आएगी, तीन की सात, सात की तीन, तो ये तो सात हो गया। अब 456 देख लीजिए। अब 456 आप देखो, आठ का क्यूब 512 है, सात का 343 है, तो क्या जाएगा, सात, 77 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक बोर्डमास रूल को बड़ा फॉलो करना है। सबसे जैसे आप सीक्वेंस रखें, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करें, फिर कोई उसकी पावर है तो उसको, ऑर्डर पावर जो भी है उसको ऑपरेट करें। उसके बाद जो ये दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, जहां भी आपको भाग का निशान दिखे उसको मल्टीपल में चेंज कर लें, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में चेंज कर लें, और कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे 50 भाग आपका 5 भाग 0.5, इस तरह का है, तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना। 50 गुणा 1/5 गुणा 1.05, और आप आंसर निकाल लीजिए, वो ही आंसर होगा। आप पहले इसको भाग दें, फिर इसको दें, कुछ नहीं करना, भाग देखिए उसको गुणा कर लो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, दैट्स इट। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका इस तरीके से कोई है 50 भाग मान लो 4 और गुणा 2, ठीक है, तो इसमें 50 गुणा 1/4 और गुणा 2, ये ऊपर दो ऊपर ही रहेगा, सिर्फ 4 होगा, इसके बाद बीच में इनके एक ऑपरेशन आ गया। लेकिन अगर यही संख्या इस तरह से हुई, 50 भाग 4 और √4, √4 भी दो ही है, और गुणा हो रहा है, यहां भी गुणा ही हो रहा है, लेकिन यहां क्या करोगे, गुणा 1/4 √4 पूरा नीचे आएगा। ये सिर्फ ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, और यहां गुणा का ऑपरेशन है, तो भाग सिर्फ इस संख्या का हो रहा है, फिर वो गुणा हो रही है। तो जैसे ही आप मल्टीपल का निशान चेंज करेंगे तो सिर्फ 4 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, बस। आपकी गलती सिर्फ भाग वाले में होती है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। ब्रैकेट आपको पहले ओपन करता, जो ब्रैकेट में चीज है वो ओपन करनी है, जैसे भाग ब्रैकेट है तो ऑब्वियस है इन संख्याओं का पूरी का इसके साथ भाग हो रहा है, तो इनको अलग अलग आपको ऑपरेट करना। अब आप कुछ आपके सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे इंपॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन। तो जैसे कोई भी चीज का 100% एक होता है हमेशा, तो 50% हाफ हो गया, 1/3 33.33, 2/3 66.66, तो इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो आपके बहुत काम आते हैं वो लिख दिए हैं, इनको एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जैसे ये आप बहुत बार देखेंगे, 62.5, 37.5, 87.5, तो 12.5, तो 12.5 है तो आप तुरंत उसको 1/8 मान लीजिए, और आप देखेंगे 1/8, आप जैसे ही उसको 1/8 मानेंगे तो जो संख्या जिसका वो 12.5% था, जैसे आपको दे दी 12.5% ऑफ 800, अब 12.5% निकालने में आपको टाइम लगेगा, आपको पता है कि 1/8 है, आप तुरंत 100 कर दोगे। वैसे ही आपको अगर यही संख्या अगर 12.5 के बजाय 62% भी होती तो आपको उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 5/8 है तो 500 होगी, तो ये बहुत काम आएगा, 12.5, 37.5, 62.5 और 87.5। उसी तरीके से एक आपके ये वाला जो 1/7 वाले जो संख्या है, ये आपको कई बार देखने को मिलेंगी, 14.28 देखने को मिलेगी, 28.57, 42.85, 57.14, एक ये 40%, 60%, ये 2/5, 3/5, 4/5, और ये 1/3, 2/3, तो इनको एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स रेगुलर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस।